नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। पटना के ज्ञान भवन में इन दिनों आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आम महोत्सव में जो 38 जिले हैं, उन 38 जिलों के अलग अलग क्षेत्रों के जो आम मशहूर हैं, वो आम का प्रदर्शनी यहां पे लगाया गया है। पिछले 2017 से इस तरह के आम महोत्सव का बिहार सरकार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, उद्यान विभाग के द्वारा, और एक प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे बागवानी से जुड़े हुए, जो विशेष तौर से जो आम से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, किसान हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनके आम की जो क्वालिटी और खासियत है वो पूरे राज्य तक तथा साथ ही साथ अन्य राज्य जो आए हुए लोग हैं इस महोत्सव में वो भी जाने। आपने हुस्न मलिका और न जाने क्या क्या नाम से कई लोगों को संबोधन करते हुए सुना होगा, लेकिन एक आम भी है, आम का नाम है हुस्न आरा। भोजपुर जिला जो है कहीं ना कहीं वो आरा का मुख्य केंद्र, जिला मुख्यालय का शहर है आरा, और उसने आरा आज इन दिनों इस पूरे इस समारोह जो महोत्सव है उसमें एक बड़ा ही चर्चा का विषय और अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। करीब करीब 140 से अधिक प्रकार के जो है आम की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, और तमाम तरह के आयोजन किए गए हैं। कहीं ना कहीं केवल आम ही नहीं बल्कि आम से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनका भी प्रदर्शनी के एक लगाया गया है, शॉप बनाए गए हैं। तमाम कई जिलों से लोग जो है, अलग अलग जिलों के जिनके अपना FPO तमाम तरह के जो समूह चला रहे हैं, उन समूह के जो किसान हैं वो भी आए हुए हैं, अपने स्टॉल लगाए हुए, और स्टॉल के माध्यम से लोगों को आम से जुड़े हुए अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ आम के खूबियों को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस पूरे महोत्सव को लेके जो यहाँ के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव का है, जो संजय अग्रवाल है, उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन करने का सीधा सा मकसद यही है कि हम जो छोटे किसान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे ताकि उनकी जो मेहनत है उन मेहनत को बताया जा सके, दिखाया जा सके कि कैसे हमारे बिहार के किसान आम के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार में आम का लगभग उत्पादन प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बड़े संख्या में लोग अब आम को के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। विशेष तौर से आम में भागलपुर का जरदालू आम, पश्चिमी चंपारण का जर्दा आम, बक्सर का चौसा, कई तरह के आम जो है अपने पहचान के लिए जाने जाते हैं। और करीब करीब मैं बता दूं तो बिहार के 12 जिले हैं जहां के प्रमुख आम अपने अपने क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से भागलपुर का जरदालू आम के बारे में आप तो जानते ही होंगे, लेकिन पश्चिमी चंपारण का जर्दा आम जिसका सीजन अभी शुरू होता है, करीब 1 जून से शुरू होता है और करीब करीब 1 महीने तक टाइम पीरियड रहता है, जिसका अपने सुगंध के लिए जाना जाता है। विशेष तौर से आकार बहुत बड़ा नहीं होता, एक मीडियम आकार होता है, लेकिन जहां पर भी रखा था सुगंध के लिए जाना जाता है। जो जरदालू को तो GI टैग मिल चुका है, आम्रपाली, मालदत्ता, कई तरह के प्रकार के आम, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 140 तरह करीब करीब 140 प्रकार के आमों के प्रदर्शनी यहां पे लगाए गए, और आप देख सकते हैं पूरे ज्ञान भवन में, इस पूरे सभागार में जो ज्ञान भवन का ये पूरा हॉल है, उस हॉल में इस तरह के आयोजन किए गए हैं, और कहीं ना कहीं आम को अलग अलग कार्टून और तरीकों से बताया गया है। और इस दौरान हमारी किसान तक की टीम से बात हुई उद्यान विभाग के निदेशक अभिषेक कुमार से, तो सुनिए अभिषेक कुमार क्या कहते हैं। आम हम लोग जानते हैं कि हमारी खाद्य संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जब हम लोग बचपन में रहते थे तो गर्मी छुट्टियों का इंतजार किया करते थे कि गांव जाएंगे तो वहां आम खाने को मिलेंगे, और काफ़ी तरह तरह के आम हुआ करते थे, लेकिन अब आज के परिदृश्य में हम देखें तो बहुत ही सीमित प्रजातियाँ रह गई हैं। तो आमों की जैव विविधता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम लोग जागरूकता फैलाएँ, तो एक वो इसका मर्म है। और दूसरा कारण है कि हम लोग चाह रहे हैं कि आम में मूल्य संवर्धन किया जाए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उससे तरह तरह के उत्पाद बनाए जाएं, और उन उत्पादों को कैसे निर्यात कर सकते हैं, कैसे भारत के बाजारों में बेचकर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक ये अच्छा जरिया है। आम महोत्सव में क्या खास है इस बार, कितना खास है? आम महोत्सव में इस बार लगभग 140 प्रजातियां हैं, और इसमें बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हैं, जैसे आम खाओ इनाम पाओ, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, आम में नक्काशी प्रतियोगिता है, तो ये सब मनोरंजन के एलिमेंट्स डाले गए हैं ताकि सभी लोग आकर यहाँ पे आनंद ले सकें। क्या बिहार के ही लोग हैं किसान? बाहर से यहाँ उत्पाद भी सारे बिहार के ही हैं और किसान भी बिहार के ही हैं।
आपने सुना कि अभिषेक कुमार ने आम महोत्सव को लेकर पूरी जानकारी दी और इस तरह से करीब करीब मैं बता दूं तो विभिन्न जिलों के 605 उत्पादकों एवं उद्यमियों द्वारा आम का प्रसिद्ध उत्पाद के 3000 प्रदर्शकों का प्रदर्शनी लगाया गया है और करीब मैं बता दूं तो बिहार में 15.5 लाख टन के आसपास आम का उत्पादन होता है। तो इतने बड़े पैमाने पर आम का उत्पादन हो रहा है और इस तरह का आयोजन कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए और उन उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने का एक माध्यम बन रहा है और पिछले कई सालों से यह आम महोत्सव बिहार के किसानों को एक स्थान देने का प्रयास कर रहा है और लगातार अब बिहार के आम केवल बिहार तक ही नहीं बल्कि देश तक ही नहीं सीमित है बल्कि अब खाड़ी देशों में भी आम पहुंच रहे हैं और आम की मांग हो रही है। विशेष तौर से बिहार का जर्दालु आम की विशेष तौर से मांग हो रही है और इसको लेके सरकार आज तक प्रयास भी कर रहा है कि किसी तरह से आम है उसको भी एक अच्छा स्थान दिलाया जाए। अब जर्दालु के बाद अन्य जर्दा आम हुआ और अन्य जो आम है दुधिया आम हुआ जो पटना के विशेष तौर से इलाके के लिए जाना जाता है इस तरह के आमों को भी एक पहचान दिलाने का बात जो है आला अधिकारी है जो बिहार सरकार के आम से जुड़े हुए जो अधिकारी है और जो विभाग कृषि विभाग के जुड़े अधिकारी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।